ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करते हैं वायर्स एंड केबल्स के बारे में। आपके यूनिट 5 में एक ये चैप्टर टॉपिक है वायर्स एंड केबल्स। तो कल हमने केबल्स के बारे में कंस्ट्रक्शन देखा था, ठीक है? कल हमने क्या किया था, केबल्स की कंस्ट्रक्शन देखी थी। तो आप लोगों ने पढ़ के देखा होगा, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रख लीजिएगा। तो शॉर्ट ट्रिक है उसका किम बास, CIMBAS, ताकि हमें उसकी लेयर्स की सेटिंग याद रहे, ठीक है? तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप कहीं। किम बास, सी फॉर कंडक्टर, आई फॉर इंसुलेशन, एम फॉर मेटेलिक शीथ, बी फॉर बेडिंग, ए फॉर आर्मरिंग और एस फॉर सर्विंग। और मैंने कल के लेक्चर में बता दिया था कि इन सारी जो हमने लेयर्स लिखी हैं, उन सभी लेयर्स का क्या क्या वर्क है, ठीक है? तो अभी बात करते हैं वायर्स एंड केबल्स के बारे में। अगर किसी को डाउट हो तो वो पूछ सकता है, ठीक है? कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल्स के बारे में अगर किसी को डाउट है तो व्हाट्सएप या किसी किसी मीडिया से, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पूछ सकते हैं, ठीक है? लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो अभी हम बात करते हैं वायर्स एंड केबल्स की जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि करंट को कैरी करना पड़ता है, जहां से जनरेशन हो रहा है और वहां पे हमें, जहां पे यूटिलाइज करनी है अपनी इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां तक हमें एक मीडियम चाहिए जो ट्रांसपोर्ट कर सके करें इलेक्ट्रिसिटी को। तो उसके लिए क्या कर रखा है हमने, वायर्स एंड केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है? अब क्या है, वायर्स और केबल्स का साइज किसके किस पे डिपेंड करेगा, मतलब वो कितना मोटा होना चाहिए, कितनी थिक है, कितने उसकी थिकनेस कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा हमारे वोल्टेज पे। ओके, ये डिपेंड करेगा हमारे वोल्टेज, जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही उसका थिकनेस ज्यादा होगी। ओके, सो देखें, अब वायर्स जो है वो मेरे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, विच इज यूज इन वायरिंग। पहला वायर यूज, वायर्स कहाँ यूज होते हैं, वायरिंग में यूज होते हैं जनरली हम जो लोग देखते हैं। दूसरा, घरों में जो हम कनेक्शन करते हैं और जहाँ छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम वायर्स का यूज कर सकते हैं। कैसा, ऐसा कह सकते हैं कि लो वोल्टेज रेटिंग जहां पर है, जहां पे 650 वोल्टेज से कम की रेटिंग है, वहां पे हम वायर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 650 वोल्ट या 440 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज की बात करते हैं तो वहां पर हम वायर्स को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो वहां पर हम केबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है? और इसीलिए उसकी थिकनेस को फड़ाया जाएगा। वायर्स की वायर्स ही है बेसिकली वो, लेकिन उसमें क्या कर दिया गया है, एक्स्ट्रा लेयर्स और ऐड करते गए हैं और उनका साइज को हम थिकर करते गए हैं। तो इसीलिए कल हमने जो 6-7 लेयर्स पढ़ी थी उसको हमने ऐड करते गए थे, ठीक है ना? 6-7 लेयर्स ऐड करते गए थे, और उनका एक पर्पज था, स्पेशल पर्पज था। तो ये डिपेंड हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज रेटिंग किसी में कोई सी थिकनेस की एब्सेंस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि सातों की सातों लेयर एक ही में हो, ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमारे हिसाब उन अपने पर्टिकुलर हिसाब से लेयर्स हो सकती हैं, ठीक है? तो देखिए, यूज ऑफ केबल्स क्या है, स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज, जहां पर 650 वोल्ट से ज्यादा की बात करेगी। और मेनली यूज होता है इसका डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस एंड ट्रांसमिशन लाइन पे। मान लो आप जहां रह रहे हो वहां से 20-30 किलोमीटर दूर आपका एक सबस्टेशन होगा और वहां से आपके कॉलोनी के ट्रांसफार्मर पर वायर्स आ रहे हैं। तो जो वायर्स आते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस होती है। जहां से सबस्टेशन से आपके घर के पास वाले ट्रांसफार्मर में जो वायर्स आ रहे हैं दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। और ट्रांसमिशन लाइन क्या है, जहां से जेनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तक जो आता है लाइन्स, जो आप देखते होंगे खेतों में या सड़क के किनारे बहुत बड़े बड़े टावर्स के पास, जो 3-4 लाइन्स जाते जा रही होती हैं, या देख रहे होते हैं 6 लाइन्स जा रही होती हैं, उसको आप क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ वायर्स में। तो पहला पार्ट, पहला टाइप आता है वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है? VIR को बोलते हैं वल्केनाइज्ड इंडियन रबर, और बेसिकली इसको हम बोल सकते हैं वल्केनाइज्ड इंसुलेशन रबर, ठीक है? इसमें क्या होता है, देखो होता क्या है, मेरे पास एक कॉप एक कंडक्टर होगा, और कंडक्टर किसका हो सकता है, मेरे पास एल्यूमिनियम का या कॉपर का। उसके ऊपर मेरे को इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंसुलेशन मैं किस किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा हूँ, ओके? हो सकता है उसको मैं रबर से दे रहा हूँ, हो सकता है मैं उसको इम्प्रेगनेटेड पेपर से दे रहा हूँ, है ना? हो सकता है XLPE से दे रहा हूँ,
हो सकता है पीओपी से, मतलब कुछ भी, मैं किस किस उस जो इंसुलेशन के लिए कौन सा मटेरियल यूज कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन दैट मेरे टाइप्स के मेरे टाइप्स बनते जाते हैं। जैसे मैं किसी पर टायर चढ़ा दूंगा, है ना, अभी हम देखते जाएंगे ऐसे ऐसे करके। तो कंडक्टर किसका हो सकता है, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का, ठीक है। आप इसमें जो कंडक्टर है वो उसमें क्या हो सकता है, एक कंडक्टर हो सकता है, दो कंडक्टर हो सकते हैं, और मोर देन टू कंडक्टर हो सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो हम थ्री फेज वायर लाते हैं, केबल जो आते हैं आजकल, देख रहे हो एक वायर में तीन अलग अलग तार रहते हैं, देख रहे हैं ना, आजकल जो अंडरग्राउंड जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में भी तीन वायर आपस में मोल्ड करके डाल दिए जा रहे हैं। मतलब एक मोटा वायर है, उसके अंदर तीन पतले पतले सेपरेट वायर्स हैं, और उन सभी का आपस में इंसुलेशन रहता है, ओके। तो लेकिन अगर एक ही वायर में छोटे छोटे पतले पतले वायर्स हैं तो वो मैं बोलता हूँ स्ट्रैंडेड है, मतलब उसमें कंडक्टर नहीं बोलेंगे, उनको बोलेंगे मैं स्ट्रैंड, जो बहुत ही पतले पतले होते हैं। एक ही वायर, एक ही इंसुलेशन में बहुत सारे वायर निकले हुए हैं, उनको मैं बोलता हूँ, उनको मैं बोलूंगा स्ट्रैंड्स, ओके। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, वन और टू टाइप के वायर्स यूज कर सकते हैं, और इसकी टेंशन स्ट्रेंथ क्या होती है, काफी कम होती है, और ये केमिकल रिएक्शन भी इसको अफेक्ट कर जाती है, और इसका इंसुलेशन काफी बुरा होता है। तो पहले हम VIR यूज करते थे, अब हम जनरली इसको अवॉइड कर चुके हैं, यूज नहीं करते, ओके। और अगर यूज भी कर रहे हैं तो बहुत ही लो वोल्टेज सप्लाई के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो इसमें पहले क्या होता था, देखो फिगर में देखिए, पहले ये क्या है, कॉपर है, तो ये सेपरेट कॉपर, सेपरेट कंडक्टर्स है, ऐसा नहीं है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड कंडक्टर्स नहीं है, ये जो आपस में चिपके हुए होते हैं ना वो वाले नहीं है, ये सेपरेट कंडक्टर्स हैं, और उनके ऊपर क्या है, इंसुलेशन दे रखा है। तो इंसुलेशन के लिए क्या यूज कर रखा है मैंने, रबर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज BIR। उसके ऊपर मैंने एक बैडिंग दे रखी है, और उसके ऊपर भी मैंने एक और बैडिंग दे रखी है। वैसे तो इसे मेटलिक शीथ बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही मेटेरियल की दो बार ओवरलैपिंग कर रखी है, तो यहाँ पे दोनों बैडिंग कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज BIR। देखो अब क्या नाम है इसका, CTS एंड TRS केबल। तो CTS का मतलब क्या है, क्रैप टायर शीथ, मतलब इस पर टायर टाइप का शीथ रहेगी। जो इसका शीथ क्या बोलते हैं, शीथ एक समझ लीजिए आउटर कवर, मतलब इंसुलेशन के ऊपर जो आप आउटर कवर प्रोवाइड कराओगे ना, दैट इज कॉल्ड शीथ, मेटलिक शीथ। अब मेटल से दे रखे हो, दैट्स मेटल शीथ। अब जरूरी थोड़ी हर बार मेटल से देना, अभी इस बार मैंने क्या किया, टायर शीथ दे रखी है, ओके। तो दैट्स वाई CTS, टायर शीथ, देखो क्रैप टायर शीथ। और TRS का क्या मतलब है, TRS का मतलब है टफ रबर। जो रबर है ना वो काफी टफ है, मतलब वो काफी वो प्रेस नहीं हो सकती, है ना, तो दैट इज वाई टफ रबर शीथ वायर। अब इनका यूज क्या है, हार्ड एंड गुड रबर कोटिंग ऑन अ कॉपर वायर, ये मतलब कंप्रेस नहीं हो सकती, तो ये बहुत ही अच्छा इंसुलेशन भी प्रोवाइड कर सकती है, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी इनकी बहुत अच्छी होती है। और इनको मैं जनरली यूज करता हूँ आजकल हाउस वायरिंग में, और इंसुलेशन और इंडस्ट्री वायरिंग में, जो आजकल में आप जनरली इसको ही देखते हैं, ठीक है। तो जनरली इसका यूज कहाँ पर है, 250 और 450 वोल्ट पे। तो देखे इसमें क्या है, इसमें डायग्राम में क्या चेंज हो गया, कंडक्टर्स था पहले, उसके ऊपर एक इंसुलेशन था जो मैं जिसमें मैंने रबर यूज कर रखा है, और ये मेरा रबर की शीथ है, और शीथ के ऊपर क्या कर रखा है मैंने, बैडिंग कर रखी है, ये ब्रेडिंग नहीं है, दैट इज कॉल्ड बैडिंग, ओके। नेक्स्ट, कुल मिला के क्या है ना, नाम के हिसाब से, मतलब आप इंसुलेशन किस चीज का दे रहे हैं, इंसुलेशन के ऊपर कौन सी शीथ लगा रहे हैं, और वो किस मेटेरियल के हिसाब से है, दैट्स व्हाई उसके टाइप्स बदलते जाएंगे। नेक्स्ट देखें, वेदर प्रूफ वायर, जब मैंने कल यस प्लीज देखें, मैंने कहा था कल, जैसे तमिलनाडु में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो मैं वहां पर ऐसा वायर नहीं लगा सकता जो टेम्परेचर के हिसाब से उसके इंसुलेशन को डिटेरॉइड कर दे, ठीक है। और श्रीनगर में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, तो मैं ऐसा वायर यूज नहीं कर सकता जो आइस को अपने ऊपर जमने दे, अगर क्योंकि आइस अगर उसके ऊपर जमती रहेगी तो वेट ऑन द कंडक्टर बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, और उसकी वजह से हो सकता है मेरा वायर रप्चर हो जाए, मेरा तार टूट जाए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेदर प्रूफ वायर। तो नो वेदर रिएक्शन, मतलब किसी भी वेदर में कोई भी रिएक्शन उस पर नहीं आना चाहिए, ना उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ घटनी चाहिए, ना उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ घटनी चाहिए, और ना उस पर कोई आइस डस्ट मॉइस्चर कुछ भी नहीं रुकना चाहिए, ओके। तो इट हैज कॉटन बेडिंग विद वाटर प्रूफ,
तो उसमें क्या करते हैं ना, बेडिंग के लिए मैंने क्या यूज कर रखा है, जो बेडिंग में जिसमें यूज करता हूँ उसमें मैं पहले कल क्या यूज कर रहा था, जूट यूज कर रहा था, आज मैं उसमें कॉटन यूज कर रहा हूँ और उसके ऊपर में एक वाटर प्रूफिंग की एक लेयर और इंसुलेटेड कर रहा हूँ, ठीक है। वाटर प्रूफ मतलब कोई भी उसमें अंदर मॉइस्चर ना जाए, और बट इट इज फ्लेमेबल सो नो यूज इन नाउ। इसमें नुकसान क्या था, जैसे आप कॉटन यूज कर रहे हैं तो ये जलने का, अगर इसमें शॉर्ट सर्किटेड होता है करंट वायर में तो इसके जलने के आसार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए अब हम इस वाली वायर का यूज नहीं कर रहे नाउ अडेज। ओके, नेक्स्ट इज एलसी वायर, इट इज कॉल्ड लेड कवर्ड वायर। अब मैंने क्या किया, आगे के जो इंसुलेशन देने थे उसमें मैंने किस मटेरियल का यूज किया, लेड का यूज कर लिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेड कवर्ड वायर। लेड वायर ऑन रबर इंसुलेशन एंड इट्स कोटिंग ऑन कंडक्टर। पहले क्या होता है, कोटिंग पहले का कंडक्टर, कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन होगा जिसमें रबर यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने लेड का मेटेलिक लेड की शीट दे रखी है। ओके, इट इज वेरी गुड इन मॉइस्चर कंडीशन, ठीक है। तो इसका यूज कहाँ करते हैं, जहां पर नमी वाला एरिया है, ओके, नियर अबाउट बंगाल एंड उड़ीसा, ओके, बट इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो काफी कम है, ओके, सो अभी भी इसको हम काफी कम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज MICC वायर, नेक्स्ट इज MICC वायर, इट इज कॉल्ड मिनरल इंसुलेटेड कॉपर कवर्ड वायर। अब क्या है, जो कंडक्टर था कॉपर का उसको मैंने कवर करने के इंसुलेशन में जो मैं कवरिंग दे रहा हूं दैट इज बाय मिनरल्स, ओके। तो इन दिस टाइप वायर कॉपर कंडक्टर कोटेड विद अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड से मैंने इसमें कवरिंग दे रखी है, ओके। एंड आफ्टर कॉपर कोटिंग इट इज कोटेड ऑन इट, इन केस ऑफ मॉइस्चर वेदर PVC कोटिंग इज कोटेड ऑन इट्स। अगर और मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रखी है उसके हिसाब से मुझे और एक प्रोवाइड करना है तो उसमें मैंने क्या कर रखा है, पीवीसी वायर की एक और इंसुलेशन, एक और मैं परत चढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और ये कहां पर यूज होती है, माइनिंग में, ठीक है, फर्नेस में जहां पे भट्टियां बन रही है, बॉयलर्स में, रोलिंग मिल्स में। देखो हमारे में बहुत सारा काम किस चीज का है, इन दोनों का। ये हमारे बहुत ही बड़े किसी भी चीज को देखो जलाने के लिए क्या करना है, किसी भी चीज को मुझे कुछ करना है तो मैं फर्नेस में यूज करता हूँ, बॉयलर यूज करता हूँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे रोलिंग मिल्स, ठीक है। मतलब किसी चीज को आपको आगे सेंड करना होता है ना तो आप उसे रोलिंग करते हैं कि वो इस तरीके से काम करे कि वो आगे पास ऑन होते जाए, ओके। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज यूज फॉर अवॉइडिंग मॉइस्चर प्रॉब्लम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट MICC वायर्स में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को एज अ मेटल, एज अ शीथ यूज करता हूँ, और मेटेलिक ऑक्साइड को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर एक पीवीसी की लेयर चढ़ा सकता हूँ। और इस टाइप की वायर्स का मैं यूज इसलिए करता हूँ कि मॉइस्चर की प्रॉब्लम नहीं आए, ओके। अब देखें पीवीसी वायर जो जनरली हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल, ठीक है, तो इसका मतलब है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। और इसके ऊपर क्या रहता है, कॉपर का कंडक्टर, और उसके ऊपर इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखा है मैंने पीवीसी से, ओके। इसके एडवांटेज क्या है, इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है। डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, कंडक्टर और इसके मेटलिक शीथ के बीच में कभी भी शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा है तो मतलब है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चाहिए उसको शॉर्ट सर्किट करने के लिए, ठीक है। और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी है, मतलब आप इसे 50 मीटर्स तक या 100, वी कैन से दैट 80 मीटर्स तक आप इसे खींच सकते हैं, दो पोल्स के बीच में आप इसको 80 मीटर्स तक बांध सकते हैं, ओके। और डिफेंस अगेंस्ट मॉइस्चर, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि मॉइस्चर अंदर नहीं आना चाहिए कंडक्टर के पास तक, तो ये बहुत ही अच्छा है उसके बीच में, ठीक है। इसकी लाइफ भी बहुत है, हम क्या जनरली प्रेफर करते हैं कि कभी अगर हमने कोई काम कर दिया है तो वो काफी लंबे समय तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बार बार मेंटेनेंस करना पड़ रहा है कि अभी यहाँ का वायर टूट गया फिर यहाँ सही करो फिर दूसरी जगह का वायर टूट गया, तो ऐसी चीजें नहीं चलनी चाहिए। एक बार हमने अगर कंस्ट्रक्शन बिल्डअप कर दिया तो लाइफ उसकी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और जो वाइब्रेशन आते हैं, ऐसा होता है ना कभी कभी टेंशन आ रहा है, हवा आ रही है, कुछ आ रहा है, तो उससे ऊपर जो वाइब्रेशन होते हैं, जो जंपिंग्स होती हैं, उसको टॉलरेट करने की स्ट्रेंथ इसके पास होनी चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, सारी चीजें हमारे कवर कर रही है। ऑसिलेशन आएंगे तो क्या होगा, वायर्स जल्दी टूट जाएगा, ओके। अच्छी बात क्या है, देखो ये 1100 वोल्ट तक
यू एप्लीकेबल है, ठीक है, और ये ड्यूरेबल है, और देखो ये किसके हैं, वाइडली यूज्ड इन अगेंस्ट वाटर हीट एंड यूवी। देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, अल्ट्रा वायलेट रेज से भी इसको इफेक्ट नहीं पड़ता, ऑयलिंग हीटिंग एंड वाटर से भी इसको फर्क नहीं पड़ता, जबकि पिछली वाली वायर्स में क्या हो रहा था, उनपे इस सबसे फर्क पड़ रहा था, मतलब इनकी लाइफ साइकिल बहुत ही कम थी। तो ये देखें, आपने ये देखे होंगे वायर्स इस तरीके के, ओके। तो देखो इसमें क्या है, पहले कंडक्टर्स था, फिर पीवीसी की डिजाइनिंग हो गई, उसके ऊपर एक और पीवीसी के मैंने शीट दे दी। अब देखें नेक्स्ट इज थ्री कोर वायर। देखो आजकल हम लोग ये यूज कर रहे हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मर से या हम जब पोल से खंबे से लाइट लाते हैं तो एक मोटे वायर में तीन फेज ले आते हैं ना, तीन वायर ले आते हैं, ठीक है, तो इसको मैं बोलता हूँ थ्री कोर वायर। तो इसमें क्या है, एक कोर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है। तो ब्लू वाले को मैं बोल रखा है यहाँ पे न्यूट्रल बोल रखा है, ब्राउन को लाइव वायर्स बोल दो, येलो को अर्थ बोल दो, वैसे न्यूट्रल ब्लैक वाले को मैं ज्यादातर बोलता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकता हूँ। और ये कैसे चेक करोगे, टेस्टर की हेल्प से, ठीक है, टेस्टर से कौन सा लाइव वायर है कौन सा न्यूट्रल वायर है ये मैं वहां से चेक कर लेता हूँ, ओके। देखें केबल स्ट्रक्चर मैं कल आपको पढ़ा चुका था, केबल स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, देखो पहला वाला जो है दैट इज कोर, सेकेंड वाला जो है दिस इज कोर के ऊपर जो मैं चढ़ाता हूँ इंसुलेशन, दैट इज पीवीसी इंसुलेशन। अभी मैं पीवीसी के अलावा और क्यों नहीं दे रहा, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी, कि उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ या टेंसाइल स्ट्रेंथ या मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी बहुत ही डाउन होती है, इसीलिए मैंने ये वाला कर रखा है। फिर ऑयल डक्ट कर रखा है मैंने, देखो तीसरा मेरा जो है ऑयल डक्ट भी है, फिर मेटेलिक शीट होती है, फिर मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया ना, किम्बास, सी फॉर कंडक्टर, आई फॉर इंसुलेशन, M for metallic sheet, B for bedding, A for arming and S for serving, वो वाले स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिनोट करना है जो मैं कल आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने ये आपको कल बता चुका है, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू इस तरीके से रहता है, ये पहले कंडक्टर को शो कर रहा है, उसके ऊपर इंसुलेशन है, उसके ऊपर मेटेलिक शीट दे रखी है, उसके ऊपर बेडिंग दे रखी है, उसके आर्मरिंग, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर वाली क्या है, शीट सर्विंग, ठीक है। और इन सारी चीजों को मैं आपको कल बता चुका हूं। अभी क्या टाइप ऑफ इंसुलेशन कैसे, मतलब क्लासिफिकेशन जो हुआ है मेरा केबल्स का, वो इस वजह से हुआ है कि मैंने टाइप्स ऑफ इंसुलेशन किस मटेरियल से प्रोवाइड कर रखा है। तो पहले मैंने क्या है कॉटन से कवर कर रखा है, दूसरा मैंने सिल्क से कवर कर रखा है, फिर एब्जेबेट से कर रखा है, रबर से कर रखा है, और पीवीसी से। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरा, ये वाला पीवीसी वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरा क्या है, पीवीसी वाला। अब क्या करते हैं, टाइप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल क्या है, टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल क्या थे, एल्यूमिनियम था और कॉपर था, और भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी सारी फैसिलिटीज अच्छी हैं, एक तो क्या है लार्ज बल्क में ये अवेलेबल है और इनकी सस्ते हैं, ठीक है, इसलिए इनको मैं यूज करता हूँ। वैसे तो चांदी और सोना सबसे अच्छे कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन उनको मैं यूज करूंगा तो थेफ्ट का ही खर्चा, थेफ्ट का ही नुकसान रहेगा, कोई चुराई ले जाएगा, ओके। अभी इनका शेप कैसा हो सकता है, शेप हो सकता है इनका फ्लैट टाइप, जनरली फ्लैट टाइप हम यूज नहीं करते, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके एजेस पे इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट द एजेस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां पर रप्चर के चांसेस बहुत बन जाएंगे। और देखें दूसरा हम यूज करते हैं राउंड, इनका यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ करंट रहता है, दैट्स व्हाई वी यूज राउंड, राउंड टाइप्स, राउंड इन शेप ना, राउंड शेप यूज करते हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन, मैकेनिकल देखो आर्मरिंग क्या कर रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट दे रखा था, मतलब कोई हैवी व्हीकल या हैवी चीज उसके ऊपर सरफेस पर जब मूव ऑन होती थी तो वो उसका प्रेशर मेरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से तोड़ सकता था, ठीक है, मेरे स्ट्रक्चर को, मेरे वायर से मेरी केबल्स को तोड़ सकता था। तो ये जरूरी है कि मैंने आर्मर दे रखा है या आर्मर नहीं दे रखा, तो ये मेरे ऊपर है कि मुझे ऐसी, मानो मेरे को ऊपर लगाना है जहां पे कोई भी ऐसा व्हीकल या कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है मुझे मैकेनिकल स्ट्रेंथ की, तो मैं वहां पे यूज नहीं करता हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेरा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लो वोल्टेज केबल, ये 1000 वोल्ट तक आता है, हाई वोल्टेज केबल 11000 तक, सुपर टेंशन बोलते हैं या एक्स्ट्रा, ये सुपर टेंशन 132 तक, एक्स्ट्रा ईएचवी बोलते हैं इसको 132 से ऊपर, और ये यूएचवी, ठीक है, अभी 765 तक चलता है ये, 400 केवी से 765 वोल्टेज तक हम इसको ले सकते हैं, ओके। देखें ग्रेडिंग ऑफ केबल्स की आपको जरूरत नहीं है। अभी देखो ये क्या है,
ये मैं आपको बता देता हूँ, स्टैंडर्ड वायर गेज है। अभी हम जैसे अब आप कोई वायर लेना और उसके ऊपर पढ़ना तो उसपे लिखना लिखा होगा गेज वायर, GW लिखा रहता है कि ये वायर का साइज क्या है। मैं किसी वायर का साइज कैसे मापूंगा, तो दिस इज कॉल्ड गेज वायर। ठीक है, ये गेज वायर होता है। ठीक है, गेज वायर है ये। इसमें मैं वायर को ना मैं रख प्लेस कर देता हूँ इनके स्लॉट्स में और उससे बता देता हूँ कि ये इतने वायर का गेज वायर है, ये इतने वायर का, ये उतने वायर का। ओके, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। मैंने जो शेयर किया आप सबको दिख रहा है क्या? स्क्रीन शेयर जो की है वो दिख रही है क्या सबको? यस सर। ओके ओके। यस सर। ओके। इस पर मैं आपको एक चीज बताना रह गया था कल एक्चुअली। देखें, अभी हम लोग जो घरों में देख रहे हैं ना, लेट अस अज्यूम कि ये मेरा घर है। ओके, ये मेरा घर है और ये मेरा यहाँ पर मेरे मेन गेट के पास मेरा बोर्ड लगा रखा है। ठीक है, तो उसको मैंने क्या बोल रखा है? इलेक्ट्रिकल सर्विस बोर्ड। ओके, इलेक्ट्रिकल सर्विस बोर्ड है जहां से मैं अपनी पोल से मैं क्या करता हूँ, वायर लेके आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं अपने घर के हर कमरे, हर जहां जहां जगह होती है वहां पे मैं यूज करता जाता हूँ। देखिये, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, लाइटनिंग अरेस्टर लगाना। मेरे अगर मुझे लाइटनिंग से अगर मुझे कुछ बचाना है, ऐसा हो कि मेरे घर पे बिजली कड़के और पता चला पूरा घर ढह गया, तो उससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, एक मेरे जो घर की हाइट है उसके ऊपर मुझे एक कंडक्टर प्लेस कर देना चाहिए, कोई भी त्रिशूल टाइप का या कोई भी आकार जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी बड़ा हो। और उसको मैं अगर मैंने कोई ऐसा अपने ऊपर अपने घर के ऊपर लगा रखा है तो बिजली कड़केगी तो सबसे पहले इस पे पड़ेगी क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। और इसको मैंने क्या कर रखा है, देखो सीधे नीचे आकर के देखें, देखो सीधे मैंने क्या कर रखा है, इसको नीचे से जाकर के देखो, यहां से मैं वायर को लाया पहले बोर्ड में, बोर्ड को मैं ले गया सीधे अर्थ में। तो मैंने क्या कर रखा है, इसको मैंने बोल रखा है अर्थिंग, कि देखो मैंने अपनी अर्थिंग कर रखी है। तो जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक लाइटिंग डन कड़केगी तो इस पर लाइटनिंग पड़ेगी और ये सीधे क्या करेगा, उस करंट को सर्कुलेट कर देगा अर्थ में, तो इसकी वजह से मेरा घर को सिक्योरिटी और सेफ्टी मिल जाएगी। ओके, और ये जो मैंने कनेक्ट कर रखा है कोई भी डिवाइस जो करंट को सीधे अर्थ में ट्रांसफर करेगा उसको मैं बोलता हूँ लाइटनिंग अरेस्टर। क्यों? क्योंकि लाइट को अरेस्ट कर रखा है। ठीक है, अभी देखो मैंने ये अर्थिंग डन कर रखी है। ठीक है, अर्थिंग जो कर रखी है इसका आजकल हम लोग इसमें आपको ऐसे देखना, आप ऐसे देखते होंगे इसको ऐसा, जब आप कहीं ट्रेवल कर रहे होंगे कभी गली मोहल्ले में तो आप देखते होंगे खंबे के पास ऐसा कनेक्शन होता है। ओके, एक मैंने क्या कहा, इसको मैं बोलता हूँ रॉड टाइप अर्थिंग। ओके, तो इसमें मैंने क्या कर रखा है, 3 मीटर को मैंने इसमें गड्ढा खोद के, मतलब इसमें 3 मीटर इसको अंडर मैंने फंसा रखा है और ये मेरा इलेक्ट्रोड बोलता हूँ इसको, लोहे का जो पार्ट दिख रहा है, और इसमें मैंने वायर कनेक्ट कर रखा है। दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। ठीक है, रॉड अर्थिंग। और देखो इसको क्या, ये क्या है, ये कैसे कैसे हो रहा है, तो इसका एक तरीका ये है कि ये मेरा क्या है, एक मेरा पाइप है और उस पाइप को मैंने एक दूसरे पाइप में रख रखा है और ये मैंने जमीन में खोद गाड़ रखा है। ठीक है, तो देखो दिस इज अर्थ पिट, मतलब जहां पे मैं जमीन में जिसमें गाड़ूंगा, और यहाँ पे मैंने पैकिंग मेटेरियल्स है भाई जो मैंने उसमें अच्छा वहां पे बना रहे एरिया, उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, चारकोल भरता हूँ और नमक डालता हूँ ताकि उसकी सरफेस एरिया बहुत अच्छा बना रहे और वो लो रेजिस्टेंस ऑफर करे। ठीक है, ये मेरा आउटर पाइप है जिसको अभी मैंने आउटर पाइप क्यों दे रखा है, यहाँ पे आउटर पाइप मैंने इसलिए दे रखा है ताकि वो मेरे कोई भी चीज मेरे को कोरोजन, देखो अंदर वाले पाइप में क्या होना चाहिए, कोरोजन नहीं होना चाहिए। ओके, अंदर वाले पाइप में क्या है,
कोरोजन नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कोरोजन को बचाने के लिए और बहुत सारे मैकेनिकल डेंजर से बचाने के लिए मैंने एक आउटर पाइप दे देता हूँ। जरूरत नहीं है लेकिन फॉर बेटर सेफ्टी एंड प्रिकॉशन मैंने आउटर पाइप दे रखा होता है, ठीक है। और ये वाला जो है दैट इज हाईली कंडक्टर मटेरियल होता है, जो जो फटाफट जो क्या करेगा फटाफट अंदर कर देगा करंट को, ठीक है। और यहाँ पे मेरे ये वाला जो पार्ट ऊपर वाला पार्ट है इसको आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं वायर कनेक्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं इस पर्पज स्पेशली पर्पज बनाया है कि मेरा वायर कनेक्ट हो जाए, ठीक है। देखें देखें कैसा कर रखा होता है, मैंने ये गड्ढा खोद रखा है, ठीक है। गड्ढा खोदने के बाद मैंने क्या कर रखा है इसमें, देखो पहले क्या कर रखा है, मैंने एक पाइप लिया और पाइप के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ एक रॉड डालता हूँ, ठीक है। और ये मेरा फनल है, फनल मैंने इसलिए यूज कर रखा है कि मैं चारकोल डाल रखा है, साल्ट डालना है, ठीक है। तो ये जो चीज मुझे डालनी है तो वो मैं करता हूँ फनल से, ठीक है, ये मैं फनल से करता हूँ। तो देखो यहाँ पे पहली लेयर है मेरी चारकोल की, उसके बाद मैंने मिट्टी, देखो नीचे से देखिए, पहले मैंने नमक डाला, नमक के ऊपर चारकोल डाला और फिर मैंने क्या किया उसके ऊपर अपना पाइप रख दिया, पाइप के अंदर मैंने एक कंडक्टर डाल दिया जो हाईली कंडक्टिंग है, ठीक है। और उसके ऊपर फिर मैंने नमक डाला, फिर चारकोल डाला, फिर ऐसे मैंने नमक और चारकोल की कुछ लेयर्स बना रखी है, ओके। नमक और चारकोल की मैंने कुछ लेयर्स बना रखी है ताकि वो अच्छा लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर सके, ओके। देखो मैंने आपको बता दिया था कल प्लेट अर्थिंग, आपको एग्जाम में नाम किसी नाम रखने सारे और कोई सी एक मेथड ऑफ बता देना, कोई एक मेथड बता देना है, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोड्स है हमारे उनके साइज पे डिपेंड करती हैं टाइप्स ऑफ अर्थिंग और उसको कितना डक करना है उस पर डिपेंड करती है, ओके। तो देखें जनरली ऐसा होता है, देखें ये कॉपर प्लेट्स है मेरी और ये मैंने गड्ढा खोद रखा है और इसको मैं ऐसे प्लेस कर देता हूँ, ओके। तो देखो वायर मैंने यहाँ कनेक्ट किया और अब क्या है ये जो खाली एरिया बच जाता है, खाली एरिया जो मेरा बच रहा है इसमें मैं क्या करूंगा चारकोल और साल्ट को मैं साल्ट से भर दूंगा, ओके। और उसका पर्पज क्या रहता है, उसका पर्पज है कि वहां पर लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करे, ओके। आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जो मैंने भी अपने नोट्स में बना के आपको दिया था, तो ये वाला डायग्राम तो जनरली है क्या ये डायग्राम, देखिये यहाँ पे मैंने गड्ढा खोद रखा है और उसको डिफरेंट डिफरेंट ये जो लेयर्स दिखा रखी हैं वो लेयर्स है मेरी चारकोल और साल्ट। तो आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम करना है और अगर किसी पर ये डायग्राम नहीं बनता है तो वो रॉड इसको कर सकता है जनरली, ठीक है। तो आज मैं गूगल क्लासरूम पर ये वाला डाल दूंगा, ठीक है, ये वाली पीपीटी डाल दूंगा। देखे मैंने बोला था ना ये वाली, इसको मैं बोलता हूँ अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स और इसमें मैं वायर का कनेक्शन हो सके इसलिए इसको स्पेशली इस तरीके से बना के रखा है। और इस अर्थिंग इलेक्ट्रोड को भी मैं किसी दूसरे पाइप में रखता हूँ, किस वजह से कोरोजन ना हो और मैकेनिकल सेफ्टी उसको मिलती रहे, ये वाला, ओके। ये पाइप देखो अगर किसी पर ना बने और प्लेट वाला तो आप इसको भी बना सकते हैं, पाइप अर्थिंग और रॉड अर्थिंग। तो ये थोड़ा सिंपल है, ये मैंने क्लेम कर दिया है और यहाँ पे मैंने सीधे एक पाइप को इंसर्ट करता गया और उसके साइड में जो एरिया बच रहा था उसमें मैंने क्या किया चौक कोल और सॉल्ट से मैंने उसकी ये कर दिया। कितना होना चाहिए ये मेरा 1.2 मीटर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो ये सारे इतने सारे एप्लीकेशन है, मतलब जहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी में यूज कर रहा हूँ वहां पे मेरी अर्थिंग डन होनी चाहिए फॉर द बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द डिवाइसेस एंड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल। जो आदमी यूज कर रहा है उसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए और जो जिस डिवाइस को यूज कर रहा है, मतलब आदमी का जान और माल दोनों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसीलिए अर्थिंग हमारा हर जगह होना जरूरी है, ओके गाइस। सो दैट्स ऑल, आज की क्लास यही खत्म करते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। ओके देन।